अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह के फजल व करम से हम सब यहाँ क़ुरान की बातें सीखने, समझने, उसे अपने जहन दिमाग में पहुँचाने, बिठाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह हम सब की इस कोशिश को कबूल करे और हमें आखिर तक साथ रहने की तौफीक दे और जो कुछ भी हम सीखें अल्लाह हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद हम जानते हैं बहुत ही अहम किताब है, एक मुसलमान की ज़िंदगी की बुनियाद है। एक मुसलमान के लिए ये कुरान जो है उसका पढ़ना, उसका समझना, उसकी तिलावत करना, उसकी बातों पर अमल करना, उसके हुकूक को अदा करना, उसकी बातों को दूसरों तक पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद के हुकूक में आते हैं जिनका अदा करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है और वाजिब है। कुरान मजीद 114 सूरतों के दरमियान है, जिसकी सबसे पहली सूरा सूरतुल फातिहा है और जिसकी सबसे आखिरी सूरा सूरतुन नास है। लेकिन जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम कहते हैं और उसके बाद तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाह हम क्यों करते हैं? अल्लाह ने सूरतुन नहल की आयत नंबर 98 में कहा, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब कुरान पढ़ने का इरादा करो तो अल्लाह की पनाह तलब करो शैतान मरदूद से। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की तिलावत करने जा रहे हो और यह काम शैतान को पसंद नहीं है। वो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने आएगा, तुम्हें वसवसा दिलाने आएगा, तुम्हें बहकाने आएगा और तुमको कुरान की तिलावत से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम कुरान की तिलावत से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लोगे, यानी अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दोगे शैतान के हवाले से, तो फिर शैतान की चाल तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अब एक सवाल यहां पर आप ये कर सकते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले क्यों और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाद में क्यों? इसका सीधा सा जवाब यह है कि अगर आपको यह कहा जाए कि आपके साथ ये बुराई भी हो सकती है और ये अच्छाई भी हो सकती है, यानी दोनों होना है, लेकिन आप सबसे पहले क्या चूज करोगे? एक उसूल है, एक कायदा है कि दफ़े मदर्रत ये जल्बे मनफात पर मुकद्दम है। नहीं समझ में आया? यानी आसान अल्फाज में कि अगर आपके सामने नुकसान और फायदा दोनों हो तो पहले आप क्या करेंगे? पहले फायदा लेंगे या पहले नुकसान को दूर करेंगे? हर एक अक्लमंद यही कहेगा कि भाई हम पहले नुकसान को हटाएंगे और उसके बाद फायदा लेंगे, क्योंकि हमें दोनों ही करना है। ऑप्शनल होता तो हम नुकसान को छोड़ देते, फायदा ले लेते, लेकिन यहां दोनों ही करना है तो पहले हम नुकसान को अपने से दूर करेंगे और उसके बाद फायदा हासिल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। यानी आगे चलकर जो शैतान मुझे बहकाने वाला है, मेरा नुकसान करने वाला है, मैं इस नुकसान को खुद से दूर कर दे रहा हूँ, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे रहा हूँ। किस अल्लाह के? जो अल्लाह रहमान है, जो रहीम है, मैं उसी के नाम से इस तिलावत का आगाज़ करता हूँ। उसके बाद सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हैं, हर एक को याद होती है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरा है, बहुत अहम सूरा है, और कुरान मजीद की जो बुनियादी तालीमात है उसको तीन हिस्से में आप तकसीम कर सकते हैं, तौहीद, रिसालत और योम आखिरत यानी बास बादल मौत। या तो तौहीद का तज़किरा है, या तो नबियों का और उनकी नबूवत का तज़किरा है, या फिर क़यामत के बाद के मरहले का तज़किरा है, बास बादल मौत, इंसान की मौत, फिर दोबारा उठाया जाना, सूर में फूंक मारा जाना, जहन्नम के अजाबात, जन्नत की नेमतें, ये सारी चीज़ अल्लाह ने बयान की। उसमें से एक अहम और बुनियादी चीज़ तौहीद का तज़किरा इस सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। 7 आयतें हैं इसके अंदर और इस सूरा के बहुत सारे नाम हैं। इस सूरा का नाम अल-फातिहा, अस-सबउल मसानी, अश-शिफा, अर-रुक़िया, अस-सलात, कई सारे नाम उलमा ने बयान किए। अस-सलात इसका एक नाम है, क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में हर मुसलमान के लिए नमाज पढ़ते वक्त नमाज की हर रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। सही बुखारी की हदीस है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो, चाहे वो जहरी नमाज हो या सिर्री, यानी चाहे वो फजर पढ़ रहा हो या जोर पढ़ रहा हो या असर या मगरिब या ईशा, चाहे वो इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, चाहे वो जमात से पढ़ रहा हो या अकेले पढ़ रहा हो, चाहे घर में पढ़ रहा हो, मस्जिद में पढ़ रहा हो, चाहे अपने इलाके में पढ़ रहा हो या सफ़र की हालत में पढ़ रहा हो, कहीं भी वो पढ़ रहा हो, कोई भी नमाज पढ़ रहा हो, हर नमाज की हर रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना ये ज़रूरी है, वाजिब है। उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। इसका नाम अस्सलात। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी के अंदर बयान किया, क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला, मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु, फिर आप क्या कहते हैं, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते। यहां पर आकर 3.5 आयतें हो जाती, यानी आधी सूरा हो जाती है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, आधा मेरा और आधा मेरे बंदे का, इय्याका नअबुदु तक रब का हो गया, और फिर व इय्याका नस्तईन से बंदे का हिस्सा शुरू होता है, बंदे का पार्ट शुरू होता है। क्या कहते हैं, वो इय्याका नस्तईन, और अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, गाइड अस टू द राइट पाथ, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा, सही रास्ते की रहनुमाई फरमा। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया? दूसरी सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया। किन पर इनाम नाजिल किया? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, यानी इन लोगों के रास्ते पर अल्लाह तू हमें चला। गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हो गए, यानी ना ही यहूदियों के रास्ते पर और ना ही ईसाइयों के, क्रिश्चन के रास्ते पर। तो ये सूरतुल फातिहा है। बड़ी अजीम सूरा है। इसका एक नाम सूरतुश शिफा है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल करते हुए आप इस सूरा को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें या किसी बीमार पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मरीज को जिसके लिए पढ़ा गया है उसको शिफा दे देगा। बहुत अहम सूरा है, हमें नमाज से हटकर भी इस सूरा को पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सूरा बहुत ही अजीम है और कुरान मजीद का आगाज इसी सूरा से होता है। उसके बाद चलते हैं हम सूरतुल बकरा की तरफ। अल बकरा का मतलब गाय और आगे चलकर गाय का तज़किरा आएगा, उसी की मुनासबत से इस सूरा का नाम सूरतुल बकरा। इस सूरा की भी बड़ी फजीलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। क्या मतलब? यानी जिस तरीके से कब्रस्तान में नमाज नहीं होती, वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है और जिस तरीके से वहाँ कोई जाकर कुरान की तिलावत नहीं करता है, ऐसे ही अपने घरों को मत बना लो, बल्कि नमाज पढ़ा करो, नफली नमाजें अदा किया करो। ख़वातीन अगर हैं नमाजें पढ़ा करें और घरों में कुरान की तिलावत करते रहो। फिर आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फ़इन्न शैतान यफ़िर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती। बड़ी अजीम सूरा है। घर से शैतान को भगाना हो, जो जिसको हम आसेब बोलते हैं, जिन्नात का साया बोलते हैं, या जो भी आप नाम दे लें, अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत करते रहें। और तिलावत करने की तबीयत नहीं हो रही, आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो सुन लिया करें। घर में बेटा है, बेटी है या कोई और है जो पढ़ना जानते हैं, उनको कहें कि हमें पढ़कर सुनाइए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मोबाइल फ़ोन आपके पास है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, खोलें उसको, यूट्यूब खोलें और वहाँ पर सूरतुल बकरा लगाकर आप सुनते रहें। इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ये सूरतुल बकरा की फ़जीलत हुई। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे ये सूरा का आगाज़ होता है क्या कहते हैं? अलिफ लाम मीम। क्या मतलब? ये कुरान मजीद की खुसूसियात में से है। दुनिया की कोई भी किताब आप उठा लें, उसके हर लफ्ज़, उसकी हर बात का मतलब होता है जो भी जिक्र किया गया है और कोई ना कोई उसको एक्सप्लेन कर लेता है। लेकिन ये कुरान मजीद की खुसूसियात है कि इसके अंदर ऐसे हरूफ हैं जिनका माना सिवाय रब्बुल आलमीन के किसी को नहीं मालूम। अलिफ लाम मीम, इनको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। उलमा ने कहा अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इनका क्या मतलब है? अल्लाह ही को बेहतर मालूम। बहुत सारे उलमा ने अलग अलग मानी बयान किए, लेकिन हकीकी माना क्या है ये अल्लाह को मालूम। बहुत सारी जगह पर कुरान में हामीम काफ काफ हा या ऐन सौद हामीम आइन सीन काफ अलिफ लाम मीम हामीम, ये इस तरीके से और भी कई हरूफ हैं। ये सब हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं जिनका माना सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के किसी को मालूम नहीं है। ये पहली आयत। दूसरी आयत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ऐसी है जिसके बारे में कोई डाउट नहीं, किसी को कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। दुनिया की वाहिद ऑन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी किताब है जिसका लिखने वाला, जिसको बताने वाला, जिसको नाजिल करने वाला ये ऐलान कर रहा है कि इस किताब, इस बुक के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। और कोई दुनिया का कोई राइटर, कोई मुसन्निफ, कोई ऑथर, कोई मुअल्लिफ, कोई किताब जमा करने वाला, कोई तरतीब देने वाला ये दावा नहीं कर सकता मेरी इस किताब में कोई शक नहीं, बल्कि वो कहता है कि इस किताब में अगर कोई गलती नज़र आए तो आप हमें बता दें ताकि अगले एडिशन में उसको करेक्ट किया जा सके, करेक्शन किया जा सके। लेकिन कुरान मजीद ऐसी किताब है जो अव्वल से लेकर आखिर तक एकदम सही दुरुस्त किताब है जिसके बारे में कोई डाउट नहीं। और इस किताब की एक और खुसूसियत क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत का जरिया, सबब है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। ये कौन लोग हैं? आगे उनकी सिफात बयान की। अब आगे जब आयत नंबर 3 शुरू होती है तो आयत नंबर 3 से लेकर 20 तक, 3 से लेकर 20 तक इंसानों की 3 कैटेगरी का तस्करा किया गया है। ये कौन सी कैटेगरी है? यानी एक तो हिदायत और दूसरे ज़लालत यानी गुमराही। हिदायत और गुमराही के हिसाब से इंसानों में 3 कैटेगरी बनती है, 3 ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप मुत्तकियों का यानी ईमान वालों का, उनकी अल्लाह ने अलग अलग सिफात बयान की। ये गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने दिया खर्च करते हैं, जो कुछ हमने नाजिल किया उस पर ईमान रखते हैं, चाहे पहले की किताबें हो या यह किताब है। आखिरत पर ईमान रखते हैं और इनका रिजल्ट, इनका बदला, इनका इनाम बताया अल्लाह ने, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये तो बदला हुआ, पहली कैटेगरी हुई मोमिनों की, ईमान वालों की, तकवा वालों की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए फला फला अच्छाइयाँ करते हैं और अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और इनका बदला यह है कि यही लोग कामयाब होने वाले। दूसरी कैटेगरी अल्लाह ने आगे आयत शुरू की, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ये लोग जो कुफ्र का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं यानी काफिर लोग, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, इनको डराना ना डराना बराबर है। यानी ये उन लोगों की बात हो रही जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बहुत से कुफ्र वाले ईमान ले आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल आखिरी लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब उनके लिए हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है कि अब ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो उनको डराना ना डराना सब बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके कान, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनका रिजल्ट ये है कि ये बहुत बड़े अजाब की सज़ा पाने वाले हैं। ये दूसरी कैटेगरी काफिरों की जिनका बदला ये। तीसरी कैटेगरी मुनाफिकों की, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि अल्लाह क्या कहते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं हैं, ये ईमान वाले नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ईमान वालों का साथ देने के लिए, यानी फ़ायदा इधर हो तो इधर और इधर फ़ायदा हो तो इधर। मुनाफिक बीच का, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना इधर का ना इधर का। तो ऐसे लोगों का क्या बदला है? ऐसे लोगों का बदला यह कि अल्लाह ने इन्हें बेवकूफ़ कहा, इनके लिए भी दर्दनाक अज़ाब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से ये समझते कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, कि अल्लाह को पता ही नहीं है कि हम ईमान वालों के साथ हैं कि काफिरों के साथ हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत देकर खरीद लिया, यानी हिदायत को इन्होंने, ईमान को बेच दिया और गुमराही को खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये ऐसी तिजारत है जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा इन्हें नहीं होगा। फिर आगे अल्लाह ने मिसाल बयान की, यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू। अगर अल्लाह चाहे तो इनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, कोई फायदा इनका नहीं होने वाला। और ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हम ईमान वाले, अल्लाह को पता ही नहीं है कि हम किसके साथ हैं। अल्लाह ने इनका बदला बयान किया। कहाँ बयान किया? पारा नंबर 5 के आखिर में अल्लाह ने कहा, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जो हैं ये जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में रहेंगे और इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो आयत नंबर 3 से लेकर 20 तक हिदायत और गुमराही के एतबार से इंसान की अलग अलग कैटेगरी का अल्लाह ने तस्करा किया है। आयत नंबर 21 में अल्लाह ने तमाम दुनिया के लोगों को मुखातब करके कहा, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। क्यों इबादत करें अल्लाह की? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये कुरान मजीद का सबसे पहला ऑर्डर जो अल्लाह ने दिया वो अपनी इबादत का, और किसको दिया? सिर्फ ईमान वालों को नहीं, पूरी कायनात के इंसानों को। पता ये चला कि अल्लाह की इबादत करना ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। कोई अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है तो वो गलत रास्ते पर जा रहा है। और हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह ने इसीलिए कुरान का जो सबसे पहला ऑर्डर दिया तमाम इंसानों को मुखातब करके कहा, ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है। फिर आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ने कुरान का चैलेंज जिक्र किया। मक्का वाले कहते थे ना, ये कुरान तो इस बंदे ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, अपनी तरफ से बना लिया है। अल्लाह ने कहा, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है, डाउट है इस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरा पेश कर दो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, और अल्लाह को छोड़कर जिसको चाहो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ पेश कर दो। ये कुरान का चैलेंज। फिर अल्लाह ने इस चैलेंज का रिजल्ट भी खुद ही बता दिया, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने नहीं किया, वलन तफ़अलू, और कर भी नहीं सकते। पता ये चला कि अल्लाह ने कुरान ने चैलेंज तो दे दिया और साथ ही रिजल्ट भी बता दिया कि तुम कभी भी ये नहीं कर सकते। इसीलिए देखें 1400 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक कोई भी कुरान की एक आयत का जवाब नहीं दे सका, इस जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सका। यह कुरान का चैलेंज है। अच्छा, अल्लाह ने कहा अगर तुमने नहीं किया और कर भी नहीं सकते, फत्तकुन्नार लती वकूदुहन नासु वल हिजारा, तो अपने आप को सुधार लो, डरो उस आग से जिसके ईंधन इंसान है, पत्थर हैं, और जो काफिरों के लिए तैयार कर दी गई है। अल्लाह ने क्या कहा, उइद्दत, जो तैयार कर दी गई है। बहुत सारे लोग जन्नत का जहन्नम का इनकार करते हैं, कहते हैं जहन्नम का कोई वजूद नहीं है, जहन्नम तैयार शुदा नहीं है। अल्लाह ने कहा उइद्दत, तैयार कर दी गई है, बना दी गई है। इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अपने अकीदे की इस्लाह कर ले कि आपका अकीदा कैसा है। उसके बाद अल्लाह ने ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दी कि उनके लिए जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात से कोई हया नहीं आती है कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे, या मच्छर से कमतर कोई चीज़ हो, या उससे ऊपर की कोई चीज़ हो। यानी अल्लाह मिसाल बयान कर देता है। अब वो मिसाल जो अल्लाह ने बयान की है ना, वो ईमान वालों को समझ में आ जाती है। ईमान वाले कहते हैं ये तो हक है, ये तो हमारे रब की तरफ से हक बात है। लेकिन जो काफिर होता है ना, वो कहता है अरे अल्लाह इस बात से क्या बताना चाह रहे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यानी कुरानी मजीद के अंदर जो भी बातें हैं, हमारा ईमान है, अकीदा है, कि सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाजिल किया है, और वही सारी कायनात का बनाने वाला है, वो हक है, वो सच्चा है, उसकी इबादत में उसका कोई साझी और शरीक नहीं है। फिर आयत नंबर 27 में अहदो पैमान को तोड़ने वालों का अंजाम जिक्र किया। यानी अगर आप किसी से वादा कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो आपको पूरा करना चाहिए। बिला वजह, बिला किसी जायज़ वजह के आप उसे तोड़ नहीं सकते। अल्लाह ने कहा लदीना यनकुदून अहद अल्लाह मिन बाद मीसाक़ि, जो लोग एग्रीमेंट करके तोड़ लेते हैं बिला किसी वजह के, और जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं, यानी रिश्तेदारी को बिला वजह तोड़ते हैं। और जो लोग ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, ये ऐसे लोग हैं जिनका खसारा, घाटा और नुकसान होने वाला। तो कभी भी हमें ना अहदो पैमान को, एग्रीमेंट को तोड़ना चाहिए, ना रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहिए, और ना ही ज़मीन में फितना और फसाद फैलाना चाहिए। फिर उसके बाद आयत नंबर 33 में अल्लाह ने एक बहुत ही अहम बात बयान की, हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की हैं। पता ये चला कि ज़मीन में जितना कुछ है ना, ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। ये अल्लाह का एहसान है, करम है उसका हमारे ऊपर। ये बड़ा एहसान है कि उसने ज़मीन के अंदर हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें बयान कर दी हैं और इसके अंदर मुहैया कर दी हैं, बल्कि ज़मीन को हमारे लिए रहने के हिसाब से बराबर कर दिया है, ताकि इस ज़मीन में लर्जिश ना हो और यह ज़मीन इसके अंदर हिलना जुलना ना हो कि जिससे इंसानों का रहना मुश्किल हो जाए। अल्लाह का शुक्र है। आयत नंबर 34 से लेकर 37 में, और उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इल्म की अहमियत और उसका मकाम व मर्तबा अल्लाह ने बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करने के बाद, उससे पहले बात हो चुकी थी फरिश्तों से कि मैं एक मखलूक बनाना चाहता हूँ ज़मीन के लिए, तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफ़ी है, क्या ज़रूरत है ज़मीन में जाकर ये फितना करेंगे, फसाद करेंगे, बिगाड़ करेंगे। यानी उनके इल्म में था कि ये मखलूक जो है ज़मीन में जाकर फितना और फसाद फैलाएगी, अल्लाह ने बता रखा था। तो अल्लाह ने कहा जो चीज़ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, बहुत सारी चीज़ों के नाम बता दिए, फिर उसके बाद फरिश्तों को बुलाया, आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा फला फला चीज़ के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें उतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा तुम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट सारी चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ने कहा अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि आसमानों ज़मीन का सारा गैब मुझे मालूम है और मैं वो सारी चीज़ें जानता हूँ जिसको तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो। ये इल्म की अहमियत है कि इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की और फरिश्तों से अल्लाह ने यह कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था। यानी एक हिसाब से आप इसे डांट कह सकते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम बुलंद किया। किस बुनियाद पर? इसी इल्म की बुनियाद पर। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करें और इस हुक्म में इबलीस भी शामिल था जो फरिश्तों के साथ वहां रहा करता था जन्नत में। वो फरिश्ता नहीं था। सूरतुल काफ की आयत नंबर 50 में अल्लाह ने कहा काना मिनल जिन्नी, वो जिन्नातों में से था, वो फरिश्ता नहीं था, लेकिन उस हुक्म में शामिल था कि उसे भी आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करना है। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों? अबा वस्तकबारा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा था, कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान ने बहका लिया, दोनों मियाँ बीवी ने, हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों से कहा क़ालहबितू बअदुकुम लिबअदिन, यहाँ से चले जाओ, उतर जाओ, तुम में से बाज बाज का दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने तौबा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने माफ़ नहीं किया और तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इबलीस ने माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह से मोहलत मांगी। यहाँ उस मोहलत का तज़किरा नहीं है, जहाँ उस मोहलत की बात आएगी इंशाअल्लाह वहाँ पर हम उसको बयान करेंगे। अल्लाह ने इबलीस को भी दुनिया में भेज दिया, आदम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी को भी दुनिया में भेज दिया और एक कानून दे दिया फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आज के बाद जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा तो ऐसे लोग सच्चे होंगे, ऐसे लोगों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। लेकिन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिसने हमारी आयतों का इनकार किया, झुटला दिया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, और जहन्नम के अंदर हमेशा हमेश रहेंगे। तो ये अल्लाह का कानून है, उसूल है, आज भी बरकरार है, क़यामत तक बरकरार रहेगा। जो अल्लाह की बात माने वो जन्नती, और जो अल्लाह की बात ना माने, इनकार कर दे, उसका ठिकाना जहन्नम है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 40 से लेकर 73 में बनी इसराइल की फजीलत जिक्र की है, उनके बाज़ एतराज़ात का तज़किरा किया है, उनके कुछ मुतालबात का तज़किरा किया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ने उन्हें मन्नो सलवा दे रहा था, बग़ैर किसी मेहनत के खाना मिल रहा था, उनको पसंद नहीं आया, उनको कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें दाल चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें प्याज चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा, सरजनिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई नसीहतें की उनको। और फिर उसके बाद बनी इसराइल का अंजाम क्या हुआ, अल्लाह ने यह भी जिक्र किया। यहां पर थोड़ा इख्तिसार के साथ है। इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ में पारा नंबर 9 में तफसीली तस्करा है कि किस किस तरीके से किन किन लम्हात से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल गुजरे, कब कैसे क्या हालात हुए। इंशाअल्लाह पारा नंबर 9 में हम तफसील के साथ वहाँ पर बयान करेंगे, क्योंकि वहाँ तरतीब के साथ सारी बातें हैं, तो इंशाअल्लाह वहाँ तरतीब के साथ बयान की जाए। यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये कि बनी इसराइल की फजीलत का अल्लाह ने तस्करा किया है। बनी इसराइल उस वक्त की सबसे बेहतरीन उम्मत थी अल्लाह की निगाह में। पूरी दुनिया के लोगों पर अल्लाह ने उन्हें फजीलत और बरतरी अता की थी और उन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, लेकिन अल्लाह की नेमतों की इन लोगों ने नाशुक्री की। मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करते रहे, अलग अलग तरीके से सवाल करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी सज़ा के तौर पर इन्हें एक जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया था कि मसले का हल निकल जाए, लेकिन एतराज़ात सवाल पर सवाल करते रहे कि वो जानवर कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, कितनी उम्र का होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सवालात कर करके इन्होंने अपने ऊपर मुश्किल को लाद लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की गज़ब और उसकी सज़ा का मुस्तहिक अपने आप को इन लोगों ने बना लिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनकी और भी कई चीज़ें बयान की हैं कि इन लोगों का ये दावा था लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, यह आयत नंबर 80 और 81, 82 और इससे पहले की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। अल्लाह ने कहा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, कि तुम लोगों ने अल्लाह से कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम्हें कोई आग नहीं छुएगी। और वो कहते थे कि अगर हम जहन्नम में गए भी तो थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे, जैसा कि आगे चलकर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इस दावे का तस्करा किया है। तो अल्लाह ने कहा कि इनसे पूछिए कि क्या तुम लोगों ने अल्लाह से एग्रीमेंट किया है कि अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा या जहन्नम में थोड़े दिन के लिए डालेगा। अल्लाह तो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अब तकुलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह के ताल्लुक से ऐसी बातें कहते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। भला मन कसब सय्या, अल्लाह ने उसूल दे दिया फिर कि जो बुराई करेगा और उसकी खताएं उसके गुनाह उसको घेर लें तो यही लोग जहन्नमी हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह, जो लोग ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किया तो ये जन्नती हैं और जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से अल्लाह के किए हुए मुख्तलिफ अहद व मीसाक और उनको पूरा करने की तलकीन। अल्लाह ने बनी इसराइल से एग्रीमेंट लिया था कि तुम्हें ये काम करना है, अल्लाह की इबादत करो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। आयत नंबर 83 से 86 में अल्लाह ने बयान किया है कि तुम्हें किसी को कत्ल नहीं करना है, लोगों से अच्छे से बात करना है, किसी का खून नहीं बहाना है और किसी के ताल्लुक से तुम्हें किसी किस्म का कोई गलत रवैया इख्तियार नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिक्र की थी, उनको बताई थी, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन बातों का हक अदा नहीं किया, इन बातों को पूरा नहीं किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से किए हुए अहद व पैमान को इन लोगों ने तोड़ दिया। उस एग्रीमेंट को जैसा पूरा करना चाहिए था वैसा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। फिर आगे अल्लाह ने जब इनका तस्करा ख़त्म हुआ आयत नंबर 97 से 98 में, यानी 2 आयतों में, अल्लाह ने यह लोग जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहते थे, तो अल्लाह ने कहा कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, कि जो जिब्रील का दुश्मन, रसूलों का दुश्मन, मीकाईल का दुश्मन और इसी तरीके से अल्लाह के फरिश्तों का जो दुश्मन है, तो सुन ले कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अपना दुश्मन बना ले ऐसा बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 102 में बहुत ही अहम बात बयान की। जादू का हुक्म एक तो बयान किया कि जादू करना ये गलत है, जादू सीखना, सिखाना, जादू का अमल करना ये सब का सब हराम है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने एक गलत फहमी का इजाला किया। बहुत सारे लोग ये समझते थे, बल्कि जिन्नात भी ये समझते थे कि ये जो है ये जादू के बल पर इन्होंने तमाम चीज़ों पर हुकूमत की, जानवरों पर, परिंदों पर, हवाओं पर, जिन्नातों पर, इंसानों पर, तमाम चीज़ों पर इन्होंने जादू के बल पर हुकूमत की। अल्लाह ने कहा वमा कफर सुलेमान, यानी जादू करके सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, यानी उन्होंने जादू ही नहीं किया, इसलिए कि जादू करना यह कुफ्र है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस कुफ्र से अपने आप को बचाया। फिर जादू के नुकसानात का अल्लाह ने तस्करा किया कि किस किस किस्म का नुकसान होता है। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हो जाती है जो अमल शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और फिर उसके बाद आयत नंबर 104 में एक और अहम बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के हवाले से। सहाबा आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सवाल करते थे और भी दीगर दूसरे लोग आते थे जो लोग मदीना में होते थे, आसपास में होते थे। मदीना में यहूदी भी आबाद थे, यहूदी आते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं थी उनकी निगाहों में, सवाल करते थे। कभी कभार भीड़ होती थी तो वो कहते थे राईना, यानी अरबी का एक लफ्ज है राईना। राई का मतलब ख्याल करो, रा युराई मुराआत अरबी जुबान का एक लफ्ज है, उसी से आता है, ऑर्डर का अम्र का सेगा राई, ख्याल करो ना हमारा, यानी आप हमारा ख्याल करो, ये माना होगा। लेकिन यहूदी अपनी जुबान को ट्विस्ट करके कहते थे राईना। राईना जब कह देंगे आप तो राई का मतलब अरबी जुबान में हो जाता है चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला, और ना का मतलब हमारा, तो क्या हो जाएगा राईना यानी हमारे चरवाहे। आप थोड़ी सी जुबान को गलत दिशा देकर आप देखें कि अरबी जुबान में कहां से कहां माना पहुंच जाता है। राईना का मतलब हमारा ख्याल करो, लेकिन राईना का मतलब हमारे चरवाहे, यानी आए हमारे चरवाहे। आप देखें किस कदर माना बदल जाता है। लेकिन अल्लाह की नजर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ऊंचा मकाम कि अल्लाह ने इस लफ्ज के इस्तेमाल से तमाम मुसलमानों को मना कर दिया और कहा या अय्युहल्लदीना आमनू ला तकुलू राइना, ईमान वालो ये लफ्ज इस्तेमाल मत करो, बल्कि क्या कहो उन्जुरना, उसका मतलब भी वही होता, उन्जुरना हमारी तरफ देखो, हमारा ख्याल करो, वस्माऊ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोले तो तुम सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम और याद रखो काफिरों के लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब है। उसके बाद आयत नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हसद करने का नुकसान और वबाल जिक्र किया है। ये जो यहूदी लोग थे ना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते थे, जलते थे, कुड़ते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनका नुकसान तो इन्हीं लोगों को होने वाला है, इससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हसद करने वाला वो अपना नुकसान कर रहा होता है, वो दूसरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। लेकिन हसद करके आप कुछ करें ना करें, आप अपने दिमाग को खराब करते हैं, आपकी गुनाह की जो लिस्ट है उसमें इजाफा होता रहता है, गलतियों में शुमार किया जाता है, काउंट किया जाता है, इसलिए हसद न करें। यहूदी ये सहाबा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया करते थे। और उसके बाद अल्लाह ने नमाज पढ़ने, ज़कात देने का हुक्म दिया और कहा जो कुछ तुम आगे खर्च करोगे वो तुम्हें आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बेहतरीन सूरत में मिलेगा और अल्लाह तुम्हारे सारे आमाल को देखने वाला। फिर उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 111 और 112 में ये कहा, यहूदी और ईसाई क्या कहते थे, बड़ी ढिठाई के साथ ये दावा करते थे। अल्लाह ने इस बारे में कई दावे इनके जिक्र किए। एक दावा तो पहले गया, ये कहते थे कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे और अगर गए तो थोड़े दिन के लिए, अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया। यहां एक और दावा उनका जिक्र किया है, वो दावा ये करते थे, यहूदी कहते थे जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, ईसाई कहते थे जन्नत में सिर्फ ईसाई जाएंगे। अल्लाह ने कहा तिलका अमानियो, ये इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं और सिर्फ तमन्नाओं से बात नहीं बना करती। अल्लाह ने कहा कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो कि भाई दलील ला कर दो अगर तुम सच्चे, यानी अगर तुम्हारी बात सच्ची है जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएं, कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ने कोई वादा कर रखा, कोई एग्रीमेंट ले रखा है, कोई उसूल है, कोई कानून है, ईसाइयों से लाओ दलील दो, किसी के पास दलील नहीं। फिर अल्लाह ने फिर एक उसूल बयान किया, मन अस्लम वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर ले और वो एहसान करने वाला हो, यानी अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारने वाला हो, तो ये वो बंदा है जिसका अजर उसके रब के पास है और ऐसे बंदे का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। फिर एक और दावा अल्लाह ने जिक्र किया आयत नंबर 113 में, यहूदी ईसाइयों के ताल्लुक से कहते थे कि भाई इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और ईसाई जो है वो यहूदियों के ताल्लुक से कहते थे भाई इनके पास कुछ नहीं, लैसतिल यहूद अला शै, लैसतिन नसारा अला शै, वहुम यतलून अल किताब, हालांकि किताबें दोनों के पास, अल्लाह की किताब तौरात और इंजील। कदालिक क़ाल लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौली, इसी तरह की बात वो लोग कहते हैं जो उनकी तरह कुछ भी नहीं जानते। यानी यहूदियों को कुछ पता नहीं, ईसाइयों को कुछ पता नहीं, तो बोलने वाले बोलते रहते, लेकिन बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता और बोलने से किसी का मकाम बुलंद नहीं हो जाता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या कहा, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। ये जिन बातों में इख्तिलाफ का शिकार है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दरमियान फैसला करने वाला है। आगे चलकर अल्लाह ने आयत नंबर 114 में यह जिक्र किया कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से लोगों को रोकता हो और उसके अंदर फितना और फसाद करता हो, खराबियां करता हो, बिगाड़ मस्जिद में आकर पैदा करता हो। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। आज देखें बहुत सारे लोग किसी खास मसलक के लोगों को अपनी मस्जिद में, अपनी बनाई हुई मस्जिद में जाने से रोकते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, कैसे किसी को मना कर सकते हैं कि फला मसलक वाले, फला कबीले वाले और फला फला लोग ये हमारे यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे लोगों से बड़ा जालिम कोई नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत का काम अंजाम दिया जाएगा, यहाँ पर किसी की मनमर्जियाँ नहीं चलेंगी। और अगर कोई ऐसा करता है, अल्लाह ने ऐसे बंदे को सबसे बड़ा जालिम करार दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ने अपनी कुछ तारीफ जिक्र की हैं, कुछ कलिमात अल्लाह ने अपने ताल्लुक़ से बयान किए हैं और फिर यहूद और नसारा की ख्वाहिश का अल्लाह ने तस्करा किया। आयत नंबर 120 में वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि आपसे यहूदी कभी खुश नहीं हो सकते, आपसे ईसाई कभी खुश नहीं हो सकते। कब खुश होंगे? जब आप उनकी मिल्लत, उनके दीन को मान ले, तभी आपसे खुश हो सकते, उससे पहले खुश नहीं हो सकते। जबकि हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हमें ना यहूदियों की इत्तबा करनी है और ना ईसाइयों की इत्तबा करनी है, इसलिए कि ये दोनों गुमराह लोग हैं। और यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और ईसाइयों को अल्लाह ने ज़ालिन कहा, यानी ये लोग गुमराह हैं। तो यहूद और नसारा की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ने तंबीह की है कि इनके चपेट में आने से और इनके चक्कर में आने से अपने आप को बचाओ। फिर आयत नंबर 124 से 129 में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया है, उनकी दुआओं का तस्करा किया है, किस किस तरीके से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, बेटे के ज़रिए, बीवी के ज़रिए, ख़ुद अपने नफ्स के ज़रिए। तमाम इम्तहानात में जब कामयाब हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ए इब्राहीम हम तुम्हें पूरी कायनात के लोगों का इमाम बनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की तामीर की, मक्का के लिए दुआ किया और मक्का के लोगों के लिए दुआ किया और खाने काबा की तामीर जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कर रहे थे, तो बाप बेटे दोनों दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब हमारे इस काम को कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। पता ये चला कि हम भी जब भी कोई नेक काम करें, कोई नेक अमल करें, तो उसके कबूल होने की अल्लाह से दुआ कर लें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उसके बाद उन लोगों ने और भी अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर रखना, वारिना मनासिकना, और अल्लाह जो कुछ ये यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हमें ये दिखा देना, और अल्लाह अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हम तौबा कर लें तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लेना, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। फिर उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के, उनकी नबूवत के ताल्लुक़ से दुआ किया कि अल्लाह इन मक्का के लोगों में अल्लाह तो अपना रसूल भेजना जो इनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाएगा, इन्हें किताब की तालीम देगा, इन्हें हिकमत सिखाएगा, अल्लाह बेशक तू गालिब है, बेशक तू हिकमत वाला है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा किया है, उनका जिक्र खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। फिर उसके बाद आयत नंबर 132 और 133 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, इन दोनों नबियों ने अपनी औलाद को क्या नसीहत की, उसका तज़किरा अल्लाह ने किया है। क्या नसीहत की? या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, पसंद कर लिया है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लिहाजा तुम अपना ईमान चेक करते रहना, जब तुम्हें मौत आए तो तुम मुसलमान रहो। फिर आगे चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 135 में ये कहा, एक और दावा यहूदियों और ईसाइयों का जिक्र किया। वकालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, यहूदी कहते थे भैया हमारे दीन में चले आओ हिदायत वाले बन जाओगे, ईसाई कहते थे हमारे दीन में चले आओ हिदायत मिल जाएगी तुम्हें। अल्लाह ने कहा कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, नहीं नहीं, यहूदियों के पास जाने से हिदायत नहीं मिलेगी, ईसाइयों के पास जाने से हिदायत नहीं मिलेगी, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की इत्तबा करके उनके दीन को अपना करके तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा हिदायत वाला बनना चाहते हो तो किसका मनहज, किसका रास्ता इख्तियार करो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान कैसा होना चाहिए, हिदायत का रास्ता कहाँ मिलेगा। अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ताल्लुक से कहा कि अगर ये लोग उसी तरह ईमान लाए हैं, कि अगर ये लोग उसी तरीके से ईमान ले आए जैसा कि ऐ नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो ये लोग हिदायत पर आ जाएंगे। यानी यहूदियों का दीन अपनाने से हिदायत नहीं मिलेगी, ईसाइयों का दीन अपनाने से हिदायत नहीं मिलेगी, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन, जिसकी आखिरी कड़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके प्यारे सहाबा का जो मनहज है, जैसा ईमान उनका था वैसा ईमान तुम अपने अंदर पैदा कर लोगे तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम हिदायत वाला अपने आप को बना लोगे। और इस पारे का आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज अल्लाह ने दिया, बहुत ही अहम बात, आयत नंबर 141 में, किसी को बुरा ना कहें। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, यानी पहले के लोग आए चले गए, जो उन्होंने किया उसका बदला उन्हें मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। वलकुम मा कसबतुम, जो तुम करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके कामों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया, ऐसा किया तो क्यों किया। तुमसे तुम्हारे काम के बारे में, उनसे उनके अमल के बारे में, फला से फला के अमल के बारे में पूछा जाएगा। किसी के बारे में हम ये ना कहें कि फला बहुत बुरा है, किसी की जात पर कीचड़ ना उछालें, किसी को बुरा ना कहें, खुद अच्छे बने, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह के दीगर बंदों को गाली देना, बुरा भला कहना, ये हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मना करार दिया है। तो ये पारा नंबर 1 के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आसान अल्फाज में आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारा इल्म आपके दिमाग तक पहुंचा होगा। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम आगे भी सारे पारे का खुलासा और उसकी आसान तफसीर, और जहां थोड़ी बहुत तफसील ज़रूरी होगी वो आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को कुरान मजीद की तालीमात को पढ़ने, समझने, सीखने, अमल करने और दूसरों को ये बातें पहुँचाने की तौफीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।